वेलकम टू केएमएफ यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग और एक न्यू अनाउंसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जो एफएससीआई का साइट है, फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो साइट है, वहाँ पे जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला था DR042021, जो बेसिकली केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए वेरियस पोस्ट था, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हाल ही में एक नोटिस आया है जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो जिसका एग्ज़ाम होना था पहले, वो कोविड के वजह से कैंसिल हो गया था, उसका एक नोटिस आया है। जो CBT बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड इसके पहले स्मॉल रिक्वेस्ट, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर द लेटेस्ट केमिस्ट्री जॉब अपडेट वीडियो एज वेल एज केमिस्ट्री टॉपिक रिलेटेड वीडियोस। ओके, तो ये जो जॉब है, देखो यहाँ पे जो लिंक है, अगर यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो सेम लिंक है। तो यहाँ पे वेरियस पोस्ट है, जो बेसिकली फूड एनालिस्ट का पोस्ट था वो केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए था, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर का भी केमिस्ट्री के लिए था, एंड टेक्निकल ऑफिसर का जो पोस्ट है वो भी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए है, एंड बाकी जो भी पोस्ट है वो नॉन केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए मेनली था। ओके, तो हम लोग डिस्कस करते हैं। जो फूड एनालिस्ट का पोस्ट है वो बेसिकली 30 मार्च को होगा, ये Shift 1 में होगा, एंड सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर का वो भी 30 मार्च Shift 2 में होगा। इसका टाइमिंग दिया हुआ है, ठीक है, या फिर रिपोर्टिंग टाइम, डेट क्लोजिंग टाइम एंड एक्स्ट्रा टाइम भी कुछ ऐसा दिया हुआ है। एंड जो टेक्निकल ऑफिसर का पोस्ट है वो 31 मार्च में होगा, Shift 1 में होगा बेसिकली, जिसका टाइमिंग कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये इसका लिंक में जो भी नोटिस यहाँ पे दिया हुआ है, आई थिंक एडमिट कार्ड भी अवेलेबल कर दिया जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा टाइम यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ हेल्प ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, ठीक है, अगर किसी को कुछ दिक्कत होती है तो यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।